अलग अलग तरह की परिभाषाएं साइंस की आती रही। साइंटिफिक मेथड को लेकर के काफी कुछ बातचीत होती रही और वो परिभाषा सबसे ज्यादा अल हसन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड की बात कही और वो यूरोप तक आते आते उस बात को और लोगों ने थोड़ा रिफाइन किया और हमने कहा कि साइंस वो है जो साइंस की के मेथड के ऊपर टेस्ट करके नॉलेज जनरेट की जाए, जिसमें हाइपोथेसिस है, जिसमें डेटा कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है और अलग अलग स्टेप्स डिफाइन कर लिए। इन चीज़ों को बाद में ज़रा ज़्यादा गौर से देखा गया तो पता लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो साइंटिफिक मेथड पे पूरी उतर रही हो उसको हम साइंस कहें, उसके अलावा भी है काफ़ी कुछ। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्होंने कहा कि जब तक प्रूफ किसी चीज़ का नहीं मिल जाता तब तक हम उसे साइंस नहीं कह सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनका सिर्फ मैथमेटिकल प्रूफ था और मटेरियल के लेवल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ हासिल नहीं कर सकते। तो ये बहस लंबी बहस है और लगातार चलती रही। इसमें धीरे धीरे दो धड़ों में लोग बट गए। एक वो थे जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, पुरानी आइडियोलॉजी के मानने वाले थे, जिनका ये कहना था कि साइंस वो ज्ञान है जो वैल्यू फ्री है, यानी समाज कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, साइंटिस्ट कैसा भी हो, अगर हम साइंटिफिक नॉलेज पैदा कर रहे हैं, अगर ज्ञान पैदा कर रहे हैं और वो साइंस की कसौटी पे पूरा उतर रहा है तो वो समाज के अंदर वैल्यू फ्री होता है। यानी वो समाज कैसा भी हो, राजाओं का हो, फ्यूडल हो, कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट कम्युनिस्ट समाज हो, कैसा भी समाज हो, साइंटिफिक नॉलेज वैल्यू फ्री है। वो इस बात को भी चैलेंज लगातार किया जाता रहा है। बहरहाल मैं साइंस को डिफाइन करने के लिए आपके साथ कुछ बातें रखना चाहता हूं। उसमें अगर हम देखना शुरू करें, और आपको ये भी मालूम है कि आजकल तो बहुत ज्यादा बात हो रही है भारतीय साइंस की, भारतीय विज्ञान, उससे पहले बात होती थी चीनी विज्ञान अलग है और यूरोपीय विज्ञान अलग है और अरब विज्ञान अलग है वगैरह वगैरह, तो ये भी एक डिबेट का हिस्सा रहा है। यूरोसेंट्रिक नॉलेज जेनरेशन के ऊपर काफी किताबें भी लिखी गई। मैं ये समझता हूं कि अगर एक उदाहरण ले लें जो मैं अक्सर लिया करता हूं, या दो उदाहरण ले लें, तो इंसान, हमें मालूम है कि अब साइंस यही मानती है कम से कम कि इंसान अफ्रीका के जंगलों से निकल करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दो तीन वेव्स में आता रहा है, और जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं, जिसको मॉडर्न मैन कहते हैं, वो लगभग 60 से 80 हजार साल के बीच में नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका का जो हॉर्न है वहां से निकल के और अलग अलग दुनिया के हिस्सों में फैलता चला गया। मैंने ये बहुत कोशिश की पिछले 5-10 सालों में कि मैं पता करूं कि इंसान ने सवाल पूछना कब शुरू किया। ये बात इससे जुड़ी हुई है कि क्या जानवर भी सवाल पूछते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं। मेरा कहना यह है कि शायद जानवर सवाल नहीं पूछते, और इंसान और जानवर में एक बहुत बड़ा फर्क है कि कभी ना कभी इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया। और जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया और उनका सिस्टमैटिकली जवाब तलाश करना शुरू किया, यानी ब्रेन की हार्ड डिस्क इतनी बढ़ गई कि उसमें डेटा स्टोर हो
ऑब्जर्वेशन कर सके और उस सवाल का जवाब तलाश करके न सिर्फ अपने पास रख सके बल्कि अपने आसपास इंसानों के बीच में साझा भी कर सके, और सिर्फ साझा न कर सके बल्कि अगली जनरेशन्स को उन सवालों को और उन सवाल के जवाबों को पास ऑन कर सके, आगे जनरेशन्स को दे सके। बहरहाल सवाल पूछते हो या ना पूछते हो, जानवर सिस्टमैटिकली जवाब हासिल करने का कोई एविडेंस नहीं है, और अगली जनरेशन को जवाब बताने का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि जानवर ऐसा करते हैं। इंसान जरूर करता है। यह सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि शुरुआत के पीरियड में जब इंसान ने सवाल पूछे होंगे तो वो किस तरह के सवाल होंगे। अगर हम एक सवाल ऐसा ले लें कि जीवित चीजों और मुर्दा चीजों में, अजीवित चीजों में, एनिमेट और इनएनिमेट में क्या फर्क होता है, यह जरूर पूछा होगा इंसान ने। इंसान ने यह भी पूछा होगा कि ब्रह्मांड क्या है, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं जिनको हम नेचुरल अकरिंग्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो कैसे घटती हैं, सूरज कैसे निकलता है, चांद तारे कैसे निकलते हैं, धरती का आकार क्या है, ये सवाल भी इंसान ने कभी ना कभी पूछे होंगे। मैं इन सवालों को बड़े सवाल कहता हूं। ये ऐसे बड़े सवाल हैं जिनको बार बार मानवता ने पूछा और अलग अलग शायद जवाब मिले। तो जब शुरुआत में ये पूछा होगा कि जीवित और मुर्दा चीजों में क्या फर्क है, तो किसी ने एक स्ट्रक्चर दिया जवाब देने के लिए, एक सोच का ढांचा या मेंटल कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिया, और वो मॉडल बड़ा खूबसूरत मॉडल रहा होगा कि कोई चीज आत्मा होती है, वो आत्मा जब मटेरियल चीजों के अंदर चली जाए तो उनमें जिंदगी पैदा हो जाती है, और वो उसमें से बाहर निकल जाए तो वो चीज मर जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये एक खूबसूरत कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, और ये मॉडल हम जानते हैं कि आज तक चला आ रहा है। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे इंसान आज भी इस मॉडल के ऊपर यकीन रखते हैं। ये मॉडल कह रहा है कि कोई चीज अलग से है कहीं, जिसको आत्मा कहा जा सकता है, स्पिरिट कहा जा सकता है, रूह कहा जा सकता है, और ये जब मटेरियल के साथ मिल जाती है तो मटेरियल जिंदा हो जाता है, वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो अगली जनरेशन को पैदा करता है, वगैरह वगैरह, और ये बाहर निकल जाए आत्मा। जो कुछ उस वक्त देख रहा था इंसान, उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये बहुत काफी था मॉडल। ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। शुरुआत के पीरियड में जब पूछा होगा कि ब्रह्मांड क्या है और धरती का आकार क्या है, तो इंसान को दिखाई दिया फ्लैट है, चपटी है धरती। अगर ये चपटी है तो इसके ऊपर एक छतरी है, उस छतरी में चांद तारे जड़े हुए हैं, सूरज सुबह को निकलता है, शाम को जो लोग रहते थे पानी के आसपास उनका यह कहना था कि पानी में डुबकी लेता है और सुबह अगले दिन फिर से नहा धो के वापस निकल आता है। आज भी 3-4% के करीब हमारे देश में ऐसे लोग हैं। अभी जो लेटेस्ट डेटा कलेक्ट किया है कुंभ मेले में, वो ये यकीन रखते हैं कि सूरज निकलता है पहाड़ों के पीछे से, और फिर वो दूसरी तरफ पहाड़ों के पीछे चला जाता है और घूम के अगले दिन वापस निकल आता। ये मैं अभी की आपको इस पिछले कुंभ मेले के सर्वे की बात कर रहा हूं जो मैंने और मेरी टीम ने किया। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल कि एक छतरी है
जो एक चपटी जमीन के ऊपर जो सिक्के की तरह से गोल है, जो पानी के ऊपर तैर रही है, उस जमीन के ऊपर वो छतरी में चांद तारे चलते हैं, और चांद तारों की अपनी जिंदगी है। अगर जिंदगी है तो आत्मा भी होगी उनकी, तो उनकी पूजा की जा सकती है, उनको खुश रखना, उनको चढ़ावा चढ़ाना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसके साथ आ जाती। लेकिन धीरे धीरे इंसान की समझ और उसकी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। इससे पहले तक उसकी जरूरतें सिर्फ वही जरूरतें थी जो जानवरों की होती हैं। तीन जरूरतें मान लेते हैं, एक जरूरत होती है खाने की सिक्योरिटी, दूसरी अपनी जिंदगी की सिक्योरिटी, और तीसरी रिप्रोक्रिएशन, अपनी नस्ल बढ़ाने की सिक्योरिटी। तो उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये मॉडल जो फ्लैट जमीन का मॉडल है बहुत काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं उसको। दिन बाहर जाके शिकार विकार करने के लिए और रात कहीं छुप के पेड़ पे चढ़ के या गुफा में जाके सोने के लिए। तो इन सवालों के जवाब हमको बड़े सिंपल से मिल गए और ये काफी थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान की अपनी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। जब उसने खेती करनी शुरू कर दी तो जाहिर है कि शहर बसने थे, शहर बसे तो सभ्यताएं बसी, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजें करने लगे और पूरा एक बदलाव आ गया जिसको हम अग्रेरियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। इस रेवोल्यूशन ने डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया पहली बार। इसने धरती के ऊपर मिल करके बांट करके खेती करना सिखाया। इसने घर बनाए लोगों के जहां पर अनाज भी रखा जा सके और खुद भी रह सके। इसने लिपि का आविष्कार किया, इसने गिनने का आविष्कार किया, गिनती का आविष्कार किया, और हमारे यहाँ तो बहुत फख्र करते हैं हम इस बात के ऊपर कि जीरो हमने दिया और जो न्यूमरल्स अभी इस्तेमाल होते हैं वो हमारी सभ्यता से निकली। लेकिन धीरे धीरे ये भी परेशानी आ खड़ी हुई कि अब धरती गोल नहीं रही, अब धरती चपटी नहीं रही। सवाल वही था, ब्रह्मांड का आकार क्या है। नए आंकड़े आ रहे थे और धीरे धीरे नए आंकड़े चैलेंज कर रहे थे पिछले मॉडल को। जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल था फ्लैट अर्थ का, अब परेशानी खड़ी कर रहा था। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि अलग अलग जगह से सूरज चांद तारे अलग अलग पोजीशन में दिखाई दे रहे थे, और सिर्फ अलग पोजीशन में ही नहीं दिखाई दे रहे थे, एक ही वक्त पे अलग जगह से निकल रहे थे। इन आंकड़ों ने, इन ऑब्जर्वेशंस ने, और खासतौर से एरिस्टोटल इस बात को लिखता है कि अगर धरती गोल नहीं होती तो सब जगह से वही तारे दिखाई देते, क्योंकि कुछ शहरों में कुछ तारे दिखाई देते हैं और दूसरे शहरों में कुछ तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो यह तभी हो सकता है जबकि धरती गोल। इसका प्रमाण मिलते मिलते और काफी वक्त निकल गया, और तब एक साइंटिस्ट ने कहा कि चलो मैं देखता हूं कि धरती गोल है या नहीं, और अगर गोल है तो इसका डायमीटर क्या है। और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया लोगों से, दो शहरों के बीच का फासला नपवाया, यहाँ पर सूरज की किरणें किस तरह पड़ रही हैं और यहाँ किस तरह पड़ रही हैं, और उन दोनों के एंगल में कितना फर्क है, इनसे उसने धरती का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। और अद्भुत बात यह है कि उसने जब कैलकुलेट किया था कई हजार साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, तो उसके कैलकुलेशन और आज के कैलकुलेशन में सिर्फ 100 किलोमीटर का फर्क है, वो इतना एक्यूरेट था। वो बाय चांस इतना निकल आया, वरना जो तरीके उसने इस्तेमाल किए थे उनमें काफी गड़बड़ थी, क्योंकि कदमों से चल के नापी गई थी दूरी,
पर सवाल वही था, अब जवाब था कि धरती गोल है और सेंटर में है और ब्रह्मांड में बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। अगर चक्कर लगा रही हैं तो आसमान होंगे, आसमान होंगे तो उसमें तारे जड़े होंगे और वो घूम रहे होंगे वगैरह वगैरह। इसको बाद में हमने नाम दिया टॉलमीज मॉडल, जो एरिस्टोटल ने शुरू किया था। तो ये जो टॉलमीज मॉडल था, यह बहुत एलिगेंट खूबसूरत मॉडल था जिसमें और सारे आंकड़े जितने मिल रहे थे वो सारे अब फिट किए जा सकते थे। इसलिए कि अगर कोई तेज चलता हुआ या धीरे चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट मिला तो आप एक आसमान उसमें ऐड कर दीजिए। मॉडल अपनी जगह पे है कि धरती केंद्र में है और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह से जब आत्मा और उसकी बात शुरू हुई तो हमें पता लगना शुरू हुआ, खासतौर से अरब वर्ल्ड में पता लगना शुरू हुआ कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन कोई चीज होती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो हम कहते हैं, दिल पंप करना बंद कर दे, दिल की धड़कन रुक जाए तो हम कहते हैं कि मर गया। तो अब एनिमेट और इनएनिमेट की डेफिनेशन भी बदलने लगी, नए आंकड़ों से, नई जानकारी से। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो धरती केंद्र से निकल करके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सूरज के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रही है तो क्या गड़बड़ हो गई, अब आसमान नहीं है तो फिर ये चीजें एक दूसरे के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रही है, ये ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है, किस चीज में। तो न्यूटन आता है और कहता है कि एक छोटी सी इक्वेशन है, उसकी आप सबको याद होगी, जी इज इक्वल टू एम वन इन टू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। मैं समझता हूं ये सबसे अद्भुत और सबसे खूबसूरत इक्वेशंस में से एक है, इसलिए कि ये पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो दो पार्टिकल्स के बीच में हो, एटम के आसपास हो, या बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को समझाने की बात हो, ये इतनी छोटी सी इक्वेशन सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। अब इस धरती पर और इस ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है उसके लिए भगवान की जरूरत नहीं बची। अब सूरज भगवान की मर्जी से नहीं निकल रहा, अब हमें मालूम है क्यों निकल रहा है। अब आकाश गंगा और तारे क्यों टिके हुए हैं हमें मालूम है। इसी तरह से धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ब्रेन डेड होना, सेल्स हैं, यानी एक वक्त में आदमी नहीं मरता, उसके अलग अलग ऑर्गन्स कोलैप्स करते हैं, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है। तो कोई एक वक्त नहीं होता है मरने का इंसान के। साइंटिफिक डेफिनेशन हमें यह बताती है कि जब आखिरी सेल आपकी बॉडी का मर जाएगा तब आप मरे हुए, डेफिनेशन उस डेफिनेशन के हिसाब से होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल लगातार बदल रहे हैं और न्यूटन जैसा बड़ा दिमाग भी गलती करता है, क्योंकि जब वो ये कह रहा है कि ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें टिकी हुई हैं तो वो स्टैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा है, जिस यूनिवर्स को कोलैप्स कर जाना चाहिए, सब चीजें एक दूसरे को खींचें और पूरा का पूरा ब्रह्मांड धीरे 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 करीब आके कोलैप्स कर जाना चाहिए। इस गुत्थी को पिछले 50 साल पहले ही, लगभग 70 साल पहले सुलझाया गया और आज हमें मालूम है कि ब्रह्मांड फैल रहा बजाय सिकुड़ने के। और अगर वो फैल रहा है तो कभी किसी वक्त एक जगह था, और ये 10वें क्लास की मैथमेटिक्स काफी है ये बताने के लिए कि अगर हमें स्पीड पता लग जाए और एंगल पता लग जाए किन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर दो आकाश गंगाओं को, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कब वो एक जगह पे थी। और ये बेसिस बनती है हमारे इस पूरे समझ की कि एक वक्त में सारी की सारी एनर्जी एक किसी पॉइंट के ऊपर थी, जिस जहां बिग बैंग हुआ लगभग 13.79 बिलियन ईयर्स पहले, और तब ब्रह्मांड की घड़ी ने टिक टिक करना शुरू किया। मैं इतनी लंबी कहानी इसलिए सुना रहा हूं, और इस लेक्चर का ये हमेशा ही हिस्सा होती है कि हम
सवाल वही पूछ रहे हैं और हम धीरे धीरे अलग अलग जवाब ढूंढते जा रहे हैं। साइंस में अलग अलग कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल ज्यादातर जो डेटा है हमारे पास अगर उसको एक्सप्लेन नहीं करता तो वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल मान्य नहीं। नया मॉडल पुराने मॉडल के लिए हमेशा खतरा बन जाता है, नए आंकड़े खतरा बन जाते हैं और तब हमें नए मॉडल की जरूरत पड़ती है। चाहे डीएनए तक पहुंचना हो, जो आज की साइंस कह रही है कि हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जो चीज़ असल में है वो हमारा डीएनए है, जब वो कॉम्बिनेशन बनता है केमिकल्स का तब फिर कोई चीज़ जिंदा होती है, और अगर वो कॉम्बिनेशन डिसइंटीग्रेट हो जाए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों लगातार हम सवाल वही पूछ रहे हैं जिसको मैं मेटा क्वेश्चन कहता हूँ, और जवाब अलग अलग हमको मिल रहा है। ये है साइंस का कैरेक्टर, और इस साइंस के कैरेक्टर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइंस की परिभाषा ढूंढने के लिए। साइंस की परिभाषा हम तभी ढूंढ सकते हैं जब गैर साइंस के साथ उसका कंपैरिजन करें। जो इसको अंग्रेजी में हम लोग एक्स्ट्रा साइंस का नाम देते हैं, जिसमें सारे धर्म आ जाते हैं, सारे बाकी और नॉलेज के सिस्टम आ जाते हैं। अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि जहाँ रैशनैलिटी नहीं है उसको धर्म कहते हैं, और जहाँ रैशनैलिटी है उसको हम साइंस कहते हैं। जहाँ लॉजिक नहीं है वो धर्म है, और जहाँ लॉजिक है वो साइंस। मैं समझता हूँ नहीं, धर्म सारे के सारे इसी ब्रह्मांड को, इसी रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। साइंस भी उसी रियलिटी को, उसी नेचर को, उसी समाज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। धर्म की अपनी रैशनैलिटी है, धर्म की अपनी लॉजिक है, साइंस की अपनी रैशनैलिटी और अपनी लॉजिक है। धर्म का मेटा क्वेश्चन, बड़ा सवाल हमेशा वाई से शुरू होता है। क्यों सूरज क्यों निकल रहा है? तो आपकी नॉलेज जहां तक जाती है उसकी लिमिट पर जब पहुंचते हैं, किसी की नॉलेज हो सकती है कि कुछ भी नहीं मालूम उसे, तो ये कहेगा कि रोज सुबह भगवान की मर्जी है इस वजह से सूरज निकलता है, और इसीलिए मैं उस सूरज देवता के ऊपर पानी अर्पण करता हूं। लेकिन अगर वो ये सवाल पूछ रहा है कि सूरज कैसे निकलता है तो ये जवाब नहीं हो सकता कि वो भगवान की मर्जी से निकलता है। कैसे का जवाब यह होगा कि हमें ढूंढना है, और अगर उसकी कोई नॉलेज नहीं है और वो साइंटिफिक टेंपर रखता है तो ये कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, पता करते हैं किसी और को तो मालूम होगा, चलते हैं किसी अध्यापक के पास पूछते हैं, राइट, किताबें देखते हैं। और जब वो नॉलेज की लिमिट पर पहुंचेगा तो उसका जवाब यह होगा कि आज हमें नहीं मालूम, आज हमें मानवता को नहीं मालूम कि शुरुआत के क्षणों में ये ब्रह्मांड कैसा था। स्टैंडर्ड मॉडल हमको कुछ चीजें बता रहा है, हिग्स बोसोन पार्टिकल अभी तक नहीं मिल पाया है, उसकी तलाश जारी है, आने वाली नस्लें, आने वाले साइंटिस्ट शायद इसका जवाब दे पाएं। लेकिन धार्मिक लोग क्या कहेंगे? देखो साइंटिस्ट ने मान लिया कि गॉड पार्टिकल होता है, और ये भूल जाएंगे कि उस गॉड पार्टिकल का नाम हिग्स बोसोन पार्टिकल है। तो जो क्यों से शुरू हुआ
जब वो लिमिट पे पहुंचा तो उसने कहा गॉड पार्टिकल मान लिया साइंटिस्ट ने, जो बिल्कुल ही गलत था, झूठ था। और साइंस क्या कह रही है अभी नहीं मालूम, रिसर्च जारी है, आगे आने वाले वक्तों में हो जाएगा। पर ये दो जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, अगर उनकी शुरुआत आप मान लें कि यहां बड़ा सवाल कैसे है और वहां बड़ा सवाल वाई है, तो आगे बढ़ते हैं। साइंस के अंदर हमेशा साइंस अपने दिए हुए जवाब को लगातार परखती रहती है। जैसे नए आंकड़े आते हैं वैसे साइंस में हम अपनी समझ को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। धर्म में ऐसा नहीं होता। धर्म में जो एक बार बात कह दी गई वो हमेशा का सच है, साइंस में हमेशा का कोई सच नहीं। साइंस में आज का सच, आज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर आधारित है। जब तक दूरबीन नहीं बनी थी तब तक हमें ब्रह्मांड के बारे में जितना पता था उतना ही पता था। दूरबीन बनी और हमारे सारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स बदल गए। तो जहां टेक्नोलॉजी मौजूद है वो हमारी साइंस की समझ को आगे बढ़ाती है और साइंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती है, इन दोनों में चोली दामन का साथ। इसको अगर थोड़ा सा मुश्किल करके कहूं मैं तो हमारे फिल्टर्स बदलते जाते हैं। साइंस के अंदर जो फिल्टर हैं कि भाई कौन सी चीज को आप साइंस मानेंगे और कौन सी चीज को साइंस नहीं मानेंगे, उसके शुरुआत में जो फिल्टर थे वो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद बदल गए। पहले हम नब्ज देख करके लोगों को, वो फिल्टर था हमारे पास कि भाई तुम्हारी नब्ज तेज चल रही है, तुम्हें बुखार होगा। फिर थर्मामीटर आ गया, फिर हमने वो देखना शुरू किया। आज थर्मामीटर से आगे जाकर के हम MRI करवाते हैं, हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीरम टेस्ट कर, फिल्टर्स बदल गए हमारे किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए। ये चीज एक्स्ट्रा साइंस में या धार्मिक नॉलेज के अंदर नहीं होती। वहां कोई चीज बदलती नहीं, वहां जो सच था हमेशा का वो सच रहेगा। धार्मिक जो समझ है उसके अंदर जो नेचुरल लॉज हैं कभी भी टूट सकते हैं, इसलिए वो हमेशा चमत्कारों के ऊपर आधारित है। मोहम्मद साहब सूरज से कह सकते हैं रुक जाओ और सूरज रुक जाएगा क्योंकि उन्हें नमाज पढ़नी है, और अगर सूरज डूब गया तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो सूरज को हुक्म दे सकते हैं कि ठहरो। उसी तरह से भगवान राम ये हुक्म दे सकते हैं कि जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ, और वो भगवान जो हैं दूसरे वो जाते हैं वहां, उनको संजीवनी बूटी नहीं मिलती है, वो पूरा पहाड़ हाथ पे उठा के ले आते हैं। तो ये साइंस के और फिजिक्स के और नेचुरल लॉस सब टूट सकते हैं। जीसस क्राइस्ट मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। एक बड़ी मशहूर फिल्म है जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे हमारे बचपन में, वो समंदर से कहा एक उनके पास डंडा है और हाथ में उनके छाला है, जो छाला जो है वो चमकता है, उसमें से रोशनी निकलती। ये फिजिक्स के लॉज, नेचुरल लॉज यहां टूट सकते हैं, और बिना तोड़े हुए लॉज को ये नॉलेज, ये मान्यता पॉसिबल नहीं। साइंस में ट्रस्ट है और वहां पर मान्यता है। साइंस में आई ट्रस्ट
एंड आई बिलीव बेस्ड ऑन गिवन पैरामीटर्स कि मैं आज आपके शहर में हूं. राइट ये इससे बिल्कुल अलग होगा कि मैं मानना शुरू कर दूं कि मैं तो आज भी दिल्ली में हूं. इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए किसी भी चीज की. मैंने मान लिया कि पहाड़ हाथ पे उठाया जा सकता है, बस इतना काफी है. तो एक तरफ मान्यता पे आधारित नॉलेज है और दूसरी तरफ ट्रस्ट और बिलीफ है. हम साइंस में भी बिलीव करते हैं ना, E=mc², ये बिलीव करते हैं हम. लेकिन ये बिलीव एक अलग साइंटिफिक नॉलेज और लॉजिक के ऊपर आधारित है जिसका प्रमाण किसी और ने दिया है और मैं थियोरेटिकली टेस्ट कर सकता हूं कि क्या E=mc² है कि नहीं. मैं मैथमेटिकली भी कर सकता हूं और एटम बम बना के भी कर सकता हूं, जो एनर्जी निकलेगी, या न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना के कर सकता हूं. और यहां बैठ के मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अगर मैंने मिसाइल बनाया है और उसकी शेप, वेट, मास, स्पीड वगैरह वगैरह और डायरेक्शन मुझे सब कुछ मालूम है, तो वो कहां जाके गिरेगा. साइंस में इस तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी, धर्म में प्रिडिक्टेबिलिटी का कोई आधार नहीं. मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं. मैंने ग्रंथ पढ़े हैं इसलिए प्रिडिक्ट कर सकता हूं. मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है इसलिए प्रिडिक्ट कर सकता हूं. कोई और आधार नहीं. साइंस में अगर मान लीजिए कि मैंने दो इक्वेशंस आपके सामने रखी हैं अभी, G=m1 × m2/r² और E=mc², ये दो इक्वेशंस हैं, एक न्यूटन की दी हुई, एक आइंस्टाइन की दी हुई. न्यूटन की इक्वेशन में मैं आज ये दावा करूं कि G=m1 × m2/r² + n था, होना चाहिए था, न्यूटन ने गलती कर दी, या E=mc² + x था, आइंस्टाइन ने गलती कर दी. और ये प्रूव कर देता हूं मैं. तो कल को मेरे साथ क्या होगा? अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, मैंने ये पेपर छापा, इसको टेस्ट किया गया और साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि हाँ जी, गौहर रजा ने सही प्रूव किया है कि आइंस्टाइन ने गलती कर दी थी, अगला नोबेल प्राइज पक्का मुझे ही मिलने जा रहा है. आप यकीन कर लीजिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अगला नोबेल प्राइज मिल जाएगा. पर अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद साहब जब अल्लाह मियां से मिलने जा रहे थे तो चौथे आसमान पे चांद पे नहीं रुके थे, डायरेक्टली गए थे, मुसलमान मेरे साथ क्या करेंगे? या मैं ये कहूं कि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, लेटेस्ट रिसर्च कह रही है, मैंने प्रूव कर दिया है कि वो रायपुर में पैदा हुए थे. मेरे साथ क्या होगा? मंदिर कहीं भी बने, मेरे साथ क्या होगा? है ना, मेरा मंदिर यही बन जाएगा. वो मंदिर यहां बने ना बने, मेरा मंदिर यही बन जाएगा. ऐसी हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के साइंस में जब किसी बड़े साइंटिस्ट को गलत साबित करते हैं तो जश्न मनाया जाता है. और जितने बड़े साइंटिस्ट को मैं गलत साबित करूं उतना बड़ा जश्न होता है.
धर्म में या एक्स्ट्रा साइंस में जात बाहर किया जाता है, धर्म बाहर किया जाता है, लिंचिंग होती है, वायलेंस होता है। साइंस में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक कि हम या तो पुरानी नॉलेज को वैलिडेट ना करें नए तरीकों से, और या फिर उसको गलत साबित ना करें। जबकि धर्म में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। धर्म में हम तब तक मास्टरी नहीं कर सकते जब तक के ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद ना कर लें जो पुरानी, और इस यकीन के साथ याद करें कि जो सबसे पहले कहा गया था वही सबसे सही है। और ये मुझे अगले पॉइंट की तरफ ले जाती है। जब बंद करना हो बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर बोर होना शुरू कर दें, कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की। साइंस में हम ये देखते हैं कि नॉलेज तब जनरेट होती है जब पिछले पूर्वजों को या तो गलत साबित करें या नए तरीके से वैलिडेट कर दें, हमने नया तरीका। धर्म के अंदर हम ये देखते हैं कि पुरानी से पुरानी किताब निकालो, याद कर लो, और उसको जैसा याद किया है, उच्चारण में भी थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए, वैसे का वैसा उगल दो, तब तुम महान आदमी बनते हो। पूर्वजों की चीजों को याद करो और उनको आगे बढ़ाओ। साइंस के अंदर हमेशा ही हम जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हम साइंटिफिक नॉलेज की तरफ वापस जाते हैं, हम पूर्वजों की तरफ वापस नहीं जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि चलो आइंस्टाइन से पूछो, चलो उसकी किताब निकालते हैं, उसका वो वाला पेपर जो 1909 में और 1912 में उसने पब्लिश किया था उसमें क्या लिखा है वही सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। धर्म के अंदर जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम तीन तलाक के मसले के ऊपर मुल्ला जी के पास जाएंगे, उनसे मसला हल नहीं होगा तो वो बड़े काजी के पास जाएंगे, उनसे मसला हल नहीं होगा तो और शायद अरब जाना पड़ जाए मसला हल करवाने के लिए, वहां से फतवा लेके आएंगे कि क्या है। और वहां हम पुरानी से पुरानी किताबें ग्रंथ देखेंगे, यही यहां होगा, मंदिर के मठाधीशों के पास जाएंगे उनसे, यहां अथॉरिटी है। साइंस के अंदर कोई अथॉरिटी नहीं, साइंस में एक बार न्यूटन ने बता दिया कि लॉज क्या हैं, उसके बाद उसके हाथ से बात निकल गई। अब अगर मैं ये कहने लगूं कि मैंने वही लॉज पता किए हैं तो लोग कहेंगे पागल आदमी है, ये तो बहुत पहले न्यूटन कह चुका, ये तो ट्रिवियल हो गया। और अगर मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया और गीता की श्लोक याद कर लिए तो मुझे फौरन फूलों की माला पहना दी जाएगी। मैं अगर लॉज कर लूं याद तो कोई मुझे साइंटिस्ट तो नहीं कहेगा। यहां पर जो कुछ याद किया जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है। यहां सारे ही लोग 10th क्लास पास हैं और न्यूटन को जानते हैं, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि आप में से किसी एक ने भी प्रिंसिपिया मैथमेटिका की शक्ल नहीं देखी होगी। ये वो किताब है जिसने इंसान की समझ साइंस के बारे में नहीं पूरे ब्रह्मांड और हमारी सोसाइटी के बारे में बदल दी, पर कभी नहीं देखी होगी। पर कुरान जरूर देखा होगा आपने, 1400 साल से चला आ रहा है। गीता जरूर देखी होगी आपने, रामायण की कॉपी कहीं देखी होगी, हालांकि वो घरों में नहीं रखी जाती थी क्योंकि मानते हैं कि उसको घर में रखो तो आपस में झगड़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह। महाभारत, रामायण जरूर देखी होगी, पर किसी ने भी
जिसने बाइबल देखी है, जो कहीं ज्यादा पुरानी किताब है, उसने न्यूटन की प्रिंपिकीय मैथमेटिका नहीं देखी। क्यों? इसलिए कि जो कुछ पुराना था वो हो चुका, अब हम उससे बहुत आगे निकल आए। तो पुराने ग्रंथों की भी साइंस में कोई अथॉरिटी नहीं कि वो सच है। इंस्टेड अगर मुझे कैंसर हो जाए तो आप सबको बहुत चिंता होगी और आप मुझसे यही कहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाकर के इलाज करवाओ। क्यों? आप इसलिए कहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आपको भरोसा है कि उनके पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और लेटेस्ट नॉलेज होगी। जो कल पेपर छपा है कैंसर के ऊपर, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। धर्म के अंदर जो सबसे ज्यादा पुराना ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। हम जितना पीछे जाएं उतना ज्यादा ऑथेंटिक होता चला जाएगा। लेकिन कॉपरनिकन रेवोल्यूशन जब होता है, जिसे हम कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और कॉपरनिकस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि पहली बार उसने मैथमेटिकली ये बात साबित करने की, बहुत उल्टे सीधे तरीके से, बहुत गलत कैलकुलेशन थे उसके, पर बात सही थी कि जमीन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये कॉपरनिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत है। वो अपनी किताब भी नहीं छापना चाहता था। उसका सवाल भी बेसिक बड़ा धार्मिक था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्रह्मांड बनाया तो भगवान ने हो और इंसान पैदा किए हों और वो खुद इंसान का चक्कर लगाना शुरू कर दे। इसका उल्टा होना चाहिए था कि भगवान ने अगर ब्रह्मांड बनाया है तो इंसान को चक्कर लगवाता वो अपने चारों तरफ, ऐसा मॉडल क्यों बनाता? तो उसका सब कुछ उल्टा सीधा था, उसके बावजूद उसका कंक्लूजन बहुत जबरदस्त था कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों तरफ। ये रेवोल्यूशन पूरा होता है न्यूटन के आने पर। यहां पहुंच करके साइंस के सारे बंधन टूट जाते हैं। इससे पहले का पूरा दौर ऐसा है जिसमें ब्रूनो को जलाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ आर्यभट्ट को की बहुत भत्सना की जाती है, ये कहने के लिए कि राहु केतु कुछ नहीं होते। दुनिया भर में हर सभ्यता में साइंस को धर्म के पास जाना पड़ता था सर्टिफिकेट लेने के लिए कि क्या जो नई फाइंडिंग है उसको मैं लोगों के सामने रख सकता हूं या नहीं। कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के पूरा होने के बाद से इसका उल्टा हो गया। न सिर्फ ये कि साइंस के सारे बंधन टूट गए और वो आजादी के साथ अब रिसर्च करके अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को दुनिया भर के सामने रख सकती थी, बल्कि अब धर्म ने साइंस के पास आना शुरू कर दिया। और तभी हमारे यहां के बहुत ही जाहिल चीफ मिनिस्टर और बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर, साइंटिफिकली बेवकूफ कह रहा हूं मैं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, करनी पड़ेगी आपको इज्जत, पर साइंटिफिकली बहुत ही बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर आपके सामने क्या रख रहे हैं? ये रख रहे हैं कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रूफ है। क्या कह रहे हैं वो? कि जब तक मैं साइंस का सर्टिफिकेट ना चिपकाऊं तब तक गणेश जी को मानना मुश्किल है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसमें उन्होंने अल्लाह मियां की इक्वेशन तक निकाल ली। एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक सीरियस पेपर पढ़ा अल्लाह मियां की इक्वेशन। क्यों जरूरत पड़ रही है एक बेवकूफ से चीफ मिनिस्टर की कि वो ये कहे कि हमारे यहां महाभारत में संजय था, वो
हाल बता रहा था तो उसकी वजह से टेलीविज़न रहा होगा, और अगर टेलीविज़न था तो इंटरनेट था, तो इंटरनेट था तो सैटेलाइट था, और अगर सैटेलाइट था तो फिर हमारे पास प्रक्षेपण की टेक्नोलॉजी थी, और फिर वो था तो मिसाइल भी था, और वो था तो फिर एटम बम भी था। क्यों क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कि अब उन्हें साइंस से सर्टिफिकेट चाहिए अपनी धार्मिक पॉलिटिक्स करने के लिए। सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए कि ज्यादातर लोगों को यकीन टूट रहा है। लगातार हमारे देश में साइंटिफिक जानकारी लोगों के ऊपर लोगों के पास बढ़ रही है, और इसका प्रमाण जो कुंभ मेले की स्टडी की मैं बात कर रहा था, वो 30 साल की स्टडी हमने की। इस 30 साल में इसके बावजूद के आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा और हमारे पूरे मीडिया ने लग करके और जम के कोशिश की है कि वैज्ञानिक चेतना को खत्म कर दें, पैरों के नीचे रौंद डालें। उसके बावजूद आम जनता के अंदर वैज्ञानिक चेतना लगातार बढ़ी। इसलिए आज जरूरत पड़ रही है इन पॉलिटिकल नेताओं की को, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ये कह सकें कि देखो साइंस भी वही कह रही है जो हमारे धर्म में धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा गया था। लगता ऐसा है कि आपका कुरान में विश्वास डगमगा रहा है, तब आप कहते हैं कि नहीं, कुरान के अंदर ये बात पहले ही लिखी हुई थी। अरे भाई, अगर लिखी हुई थी तो हम तुम्हें कमरे में बंद कर रहे हैं। साल भर पढ़ो, याद कर लो पूरे अपने ग्रंथ, और कोई एक चीज बता दो कि अगले 5 साल में साइंस ये कहने वाली है, ये यहां लिखा हुआ है। एक दिल्ली में सेमिनार था, उसमें बहुत सारे मुसलमान जमा थे, गलती से मुझे बुला लिया उन्होंने, तो यही लेक्चर चल रहा था, तो इसमें उंगली नहीं उठा पाए जब मैंने ये सारी बातें उनके सामने रखी। कोई एक थोड़ा सा ज्यादा शातिर था उनमें, तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन में लिख करके मेरे पास भेजा कि आप ये बताइए कि आप यकीन रखते हैं कि कुरान के अंदर सारी नॉलेज है या नहीं, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि हमारे ग्रंथों में सारी नॉलेज है। तो मैंने उस पर्चे को अलग रख दिया हूं, मुझे पता लग गया कि ये क्या खुराफात की जा रही, यहां सारे मुसलमान जमा है, जैसे ही मैं कहूंगा नहीं मुझे ऐसा यकीन नहीं है और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, वैसे हंगामा हो जाएगा, शायद पिटाई भी हो जाए। तो बाकी सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया, पर उन्होंने भी ठान रखी थी, इंडिया इस्लामिक सेंटर के बड़े हॉल में हो रहा था, उन्होंने हाथ उठा दिया फौरन कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कौन सी बात, जबकि मुझे पता था कि क्या आने जा रहा है। तो बोले कि आपको यकीन है इस बात पर या नहीं कि कुरान के अंदर सारी नॉलेज है। तो मैंने कहा आप मेरी बात पूरी तरह से सुनने को तैयार हो तो कुछ कहूं। तो सब ने हाँ 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 कहिए 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 शुरू हो गया। मैंने कहा दुनिया की किसी भी किताब में सारी नॉलेज नहीं हो सकती। हंगामा हो गया फौरन इसी के ऊपर, खूब शोर मचा। तो मैंने जरा ऊंची आवाज करके कहा, मैंने इसीलिए कहा था कि आप पूरी बात सुनना नहीं चाहते मेरी, और नहीं सुनना चाहते तो सवाल क्यों पूछा था। तो फिर आपस में कुछ आधे आधे बट गए, आधे लोगों ने इधर बिठाना शुरू किया, उन्होंने इनको कहना शुरू किया कि नहीं सुननी, ये तो नास्तिक है, ये है वो है। बहरहाल थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ। मैंने कहा कि देखिए इस्लाम में एक हदीस है, और वो हदीस ये कहती है कि इल्म हासिल करो
चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो सबने सर हिलाया, हाँ जी है। मैंने कहा चीन किस इल्म के लिए भेजा जा रहा था? अगर सारा कुछ इल्म था कुरान करीम में तो फिर चीन जाने की क्या जरूरत थी? कुछ तो इल्म ऐसा था ना, जो नहीं, चलिए वो भी भूल जाइए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर एड्स की दवा ढूंढनी है तो क्या लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या कुरान करीम पढ़ के आप उसमें से एड्स की दवा तलाश कर सकते हैं? क्या आपको लेटेस्ट नॉलेज गेन करनी होगी या नहीं कि किसने क्या क्या रिसर्च की है, उसके बिना आप कुरान करीम पढ़ के निकाल पाएंगे क्या? और यही मैं इन बेवकूफों को जो हमारे कहते फिर रहे हैं कि अब देश को डार्विनिज्म पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ बेवकूफी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये कोई धार्मिक स्टेटमेंट नहीं। और इन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के पीछे रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक मेथड के ऊपर, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो देश की ज्यादातर जनता को ये चाहते हैं कि अंधेरे में जिएं, अंधेरे में रहें, और अपने बच्चों को वो बाहर पढ़ाना चाहते हैं जहां वो डार्विनिज्म भी सीखें, लेटेस्ट आईटी भी सीखें, और आए हिंदुस्तान वापस वहां से पढ़ के और हिंदुस्तान की दौलत को दोनों हाथों से लूट सकें। और हिंदुस्तान में पलने वाले बच्चे आगे आने वाली नस्लें उनसे सवाल ना उठाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त था जब ज्यादातर जनता ने ये सोच लिया था और मान लिया था कि अंग्रेज हमसे कहीं ज्यादा नॉलेज रखते हैं, अंग्रेजों को शासन करने का हक है। साइंस के ऊपर लगातार हमला चलता रहेगा, पर अगर साइंस को हम नहीं बचाएंगे तो फिर रैशनैलिटी तो इस देश से खत्म हो ही जानी। मुझे नई नस्लों से बहुत उम्मीद है कि नए सारे जितने भी संचार के तरीके आए हैं उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ा तंस किया जाता है, और हमारे रवीश तो लगे ही रहते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कहने के लिए, पर इसी का इस्तेमाल करके हमारी नई नस्लें साइंटिफिक रैशनैलिटी को आगे बढ़ाएंगी। मेरे अंदर उम्मीद की कमी नहीं है। थोड़े वक्त के लिए फैशिज्म आ सकता है और शायद हम में से कुछ लोग ना रहें फैशिज्म की वजह से, खत्म कर दिए जाएं, पर वो साइंटिफिक रैशनैलिटी को ख़त्म कर पाएंगे मैं ऐसा नहीं समझता। थैंक यू।